एक ओर शासन प्रशासन महिला सशक्तिकरण का नारा देता है, वहीं दूसरी ओर रायबरेली जनपद के बचरावा थाने के ग्राम व पोस्ट हरदोई निवासिनी कुसुम लता पत्नी स्वर्गीय भवरेश्वर, जो कि पंचायत चुनाव में प्रधान पद की उम्मीदवार थी और चुनाव हार गए, जीते हुए प्रत्याशी ने आज एक विधवा महिला के घर जाकर पहले बदतमीजी की, विरोध करने पर गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। लॉकडाउन के साथ साथ धारा 144 लागू, फिर भी प्रधान पुत्र के बेटे चंद्रशेखर व राम शेखर नशे की हालत में विधवा के घर के सामने जश्न मनाते हुए महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। विधवा महिला शिकायत करने थाने पहुंची तो इसकी भनक रायबरेली जनपद के जिला संवाददाता को हुई, तो कवरेज करने पहुंचे पत्रकार के साथ एक दरोगा ने अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की कर डाली। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पत्रकार के साथ हुआ है तो सख्त कार्यवाही की जाए। अब तो वक्त तय करेगा कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही होती है या नहीं। आम जनमानस तो छोड़ो, चौथे स्तंभ के साथ भी ऐसे अमानवीय व्यवहार करते हैं। ये है रायबरेली जिले की पुलिस मित्र के कारनामे।